दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक समाधान विवरण के बारे में पूरी डिटेल के साथ। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी, एकदम जनरल बात की थी कि जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसकी एक पासबुक होती है, पासबुक में हमारे बैलेंस के साथ क्रेडिट क्यों लिखा हुआ आता है और बैंक समाधान विवरण का क्या मतलब होता है, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में। बेसिकली बैंक समाधान विवरण यानी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का जो हमारा टॉपिक है आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि बैंक समाधान विवरण या फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा विवरण होता है जो कि हमारी कैशबुक होती है उसका बैंक कॉलम, जो कि कैशबुक के बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक का जो बैलेंस होता है उन दोनों में यदि अंतर पाया जाता है तो उन अंतर के कारणों का उल्लेख करते हुए एक विवरण तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या समझे दोस्तों आप, कि जो हमारी कैशबुक होती है कैशबुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, कैशबुक का बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में यदि अंतर आता है तो उन अंतर के कारणों का उल्लेख करते हुए एक हम विवरण तैयार करते हैं, उसके समाधान के लिए हम एक विवरण तैयार करते हैं जिसे कहते हैं बैंक समाधान विवरण या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं हम कि ये जो अंतर है ये आता क्यों है, किन कारणों से ये अंतर आता है। तो दोस्तों इसके बेसिकली दो मेन रीजन या बड़े रीजन होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, एक तो होता है समय अंतराल या फिर जिसे हम बोल सकते हैं टाइम डिफरेंस, ठीक है, समय अंतराल। और दूसरा इसका कारण हो सकता है दोस्तों लेन देनों के अभिलेखन या फिर रिकॉर्डिंग में गलतियाँ या फिर डिफरेंस कॉस्ड बाय एरर्स, मतलब हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं एंट्री करते हैं उस समय गलती कर दे तो उनके कारण भी इसमें अंतर आ सकता है। और हमारा जो पहला कारण है वो क्या है, समय अंतराल टाइम डिफरेंस। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम पहला कारण डिटेल में देख लेते हैं, बोले इसमें क्या क्या आ सकता है। तो समय अंतराल का दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि कोई एंट्री कभी पासबुक में पहले हो जाए और हमारी कैशबुक में ना हो, और कभी कैशबुक में पहले हो जाए और पासबुक में ना आए। तो जब वो डिफरेंस आएगा तो उस समय बैलेंस में डिफरेंस आना ही आना है भाई, एक एंट्री यदि बाद में हो रही है तो डिफरेंस तो आना ही है। तो उस कारण जो डिफरेंस आता है उसे दोस्तों हम बोलते हैं टाइमली डिफरेंस या फिर समय अंतराल। अब किन किन कारणों से दोस्तों ये आ सकता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पहला रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, मतलब चेक निगर्मित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि हमने किसी पार्टी को हमने पेमेंट देना था तो हमने चेक इशू कर दिया उनको, ठीक है। अब हमने जैसे ही चेक इशू किए हमने कैशबुक में से पेमेंट वाले ऑप्शन में उसको हटा लिया, मतलब हमने बैंक बैलेंस कम कर दिया भाई। आज हमने चेक इशू किया, हमने तो आज की डेट में पेमेंट कम भी कर दिया, मतलब वो एंट्री आज ही कर दी, लेकिन दोस्तों अगली पार्टी ने, पेमेंट लेने वाली पार्टी ने चेक हो सकता है हैंड टू हैंड ना लगाया हो, 5-6 दिन बाद लगाओ, 1 हफ्ते बाद लगाया हो, 2 हफ्ते बाद लगाया हो, ठीक है, मान लो उसने 2 हफ्ते बाद लगाया। तो यदि हम आज देख रहे हैं कैशबुक तो आज या फिर 2 दिन बाद भी देख रहे हैं अगर हम कैशबुक, तो कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में अंतर आएगा। कैशबुक का बैलेंस जो बैंक बैलेंस है कम शो होगा जबकि पासबुक का बैंक बैलेंस ज़्यादा शो होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक अगली पार्टी ने तो बैंक में चेक लगाया ही नहीं, तो हमारा बैंक में तो पैसा पड़ा ही है, बैंक से पैसा कटा ही नहीं, तो इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। तो यही है दोस्तों क्या, कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब दोस्तों दूसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन बैंक में अभी तक हमारे पैसा आया नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी वही है, जैसे ही हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो हम उसी डेट में बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, मतलब कैशबुक में हम एंट्री कर देते हैं सीधा, हाँ बोले भैया बोले बैंक में पैसा आ गया है, बैंक में हमने चेक डाल दिया, उसी डेट में हम क्या करते हैं कि बैंक में वो एंट्री कर देते हैं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, हमने चेक जमा करा दिया बैंक में तो बैंक का बैलेंस हम बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक वो चेक पास नहीं हो जाता है तब तक बैंक का बैलेंस उतना ही रहता है, तब तक बैंक का बैलेंस उतना ही रहता है, और पासबुक में तभी तो एंट्री होगी ना जब वो चेक क्लियर होगा, ठीक है, तो तब तक भी ये
डिफरेंस आ सकता है बैलेंस का, ठीक है। तो यही है दोस्तों चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अगर हिंदी में बोले तो चेक जमा कराए गए लेकिन अभी तक वसूल नहीं हुए। अब यदि दोस्तों हम तीसरा एग्जांपल देखें किसका, समय अंतराल का, तो दोस्तों वो है कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट मतलब बैंक में डायरेक्टली किसी ने जमा करा दिया हो। अब ये क्या है, तो दोस्तों सिंपल सा मीन है जब कोई कस्टमर हमें बताए बिना, मतलब फर्म को बताए बिना वो डायरेक्ट कोई पेमेंट कर देता है, डायरेक्ट बैंक में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ जाता है, बैंक में पैसा जमा कर दिया लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है। अब हमारी नॉलेज में कब आएगा, जब हम उसके एंट्री करवाएंगे या फिर बैंक स्टेटमेंट हम निकलवाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो दोस्तों वैसे तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है लेकिन जो हमारी कैशबुक शो कर रही है वो तो कम शो करेगी ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है बैलेंस में। अब यदि दोस्तों अगले रीजन की या एग्जांपल की बात की जाए तो दोस्तों वो हो सकता है कि डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक, या फिर ग्राहक के खाते से डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष लिए जाने वाले शुल्क। अब इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों बैंक कई चीज़ों पे सर्विस चार्ज लेता है, जैसे कोई चेक कलेक्ट करता है उसका चार्ज लेता है, एसएमएस के चार्जेस होते हैं, एटीएम के चार्जेस होते हैं, बैंक कई तरह के दोस्तों चार्जेस लेता है। अब वो चार्जेस लेता है तो डायरेक्ट वो पैसा अकाउंट डिडक्ट कर देता है किससे, हमारे अकाउंट से। तो हमें थोड़ी पता रहता है वो उसने कब कौन से चार्ज काटे हैं, हमें तो कब पता चलता है दोस्तों, जब हम बैंक में बैंक पासबुक में एंट्री कराते हैं या बैंक स्टेटमेंट निकलाते हैं तब हमें पता चलता है। तो हमारी कैशबुक का बैलेंस अलग शो होता है उस समय और पासबुक का अलग शो होता है, तो इस वजह से भी दोस्तों डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगले रीजन की दोस्तों बात की जाए तो वो है दोस्तों डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब कोई बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान करना, किसकी तर्ज पे, ग्राहक की तर्ज पे। बेसिकली दोस्तों होता क्या है, कई बार जो बड़े व्यापारिक फर्म होते हैं उनको इतना ध्यान नहीं रहता है, तो दोस्तों वो बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर दे देते हैं या आदेश दे देते हैं कि बोले ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसका प्रीमियम आप पर मंथ भर दीजिए कीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोई टैक्सेस के बारे में वो ऑर्डर दे सकते हैं, कोई रेंट के बारे में ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये क्या है, कस्टमर जब बैंक को बोल देता है तो बैंक अपने आप वो पैसा पर मंथ या पर पीरियड में काटता रहता है, जैसा भी वो पैसा काटना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण भी डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, कोई जैसे कोई प्रीमियम कट गया, कोई टैक्स कट गया तो हमें तो पता नहीं चला, कैशबुक में तो हमने शो नहीं किया लेकिन वो बैंक में तो शो हो ही रहा है, जब बैंक पासबुक में एंट्री कराते हमें तो तब पता चलता है, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कोई रीजन की बात की जाए तो वो रीजन है दोस्तों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, मतलब बैंक द्वारा प्राप्त किए गए ब्याज और लाभांश। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम हमारे जो शेयर्स होते हैं या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट होता है वो हम बैंक में रख देते हैं, बैंक में एज ए सिक्योरिटी रख देते हैं, तो बैंक वाले क्या है उस पर ब्याज और इंटरेस्ट वसूल करते रहते हैं, ठीक है। तो वो तो ब्याज और इंटरेस्ट वसूल करते हैं और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे भी डिफरेंस आ जाता है। अब हमें क्या पता कब बैंक को ब्याज मिला उस इन्वेस्टमेंट पे, कब उस पे डिविडेंड मिला, तो हमें तो तभी पता चलेगा ना जब हम एंट्री करवाएंगे या बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे। तो इस कारण से भी दोस्तों डिफरेंस आ सकता है बैलेंस में। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट रीजन है उसका ये है कि चेक डिपॉजिटेड या फिर बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, मतलब दोस्तों कि जमा किए गए चेक्स या फिर बट्टे पर बुनाए गए बिलों का अनादरण। तो मतलब दोस्तों सिंपल सा है, जब हम कोई चेक बैंक में जमा कराते हैं या फिर कोई विनिमय विपत्र बैंक में जमा कराते हैं और वो आगे से डिसऑनर हो जाए, मतलब डिसऑनर का दोस्तों मतलब है कि हमने चेक जमा कराया लेकिन वो किसी कारण से पास नहीं हो पाया, ठीक है, पास नहीं हो पाया, मान लो कि अगले के अकाउंट में, मतलब जिस अकाउंट से पैसा लेना था बैंक को उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, ठीक है, या फिर अन्य कोई कारण हो, चेक डिसऑनर हो गया हो, तो चेक डिसऑनर हो गया है तो बैंक का बैलेंस तो कम शो होगा ना दोस्तों, बैंक का बैलेंस कम शो होगा और हमने कैशबुक में बैलेंस बढ़ा रखा है, भाई हमने तो चेक जैसे ही हमें चेक दिया हमने तो कैशबुक में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन वैसे तो बैंक बैलेंस कम है ना,
तो हमें कब पता चलेगा, हम बैंक के स्टेटमेंट निकलवाएंगे तभी तो पता चलेगा, तो इस कारण भी डिफरेंस आ सकता है। तो दोस्तों ये थे टाइम डिफरेंस के कुछ एग्जांपल कि टाइम डिफरेंस किन किन कारणों से आ सकता है। अब दोस्तों इनको मैं एक टेबल रूप में बता देता हूँ आपको कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कब तो कैशबुक में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कैशबुक में रिकॉर्डिंग का टाइम क्या होता है और पासबुक में रिकॉर्डिंग का टाइम क्या होता है, जिससे आपको ये याद रह सके। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था कि चेक इशूड, जब हम चेक इशू करते हैं तब हम कैशबुक में एंट्री का टाइम का क्या होगा, जब हमने चेक इशू किया, जबकि पासबुक में एंट्री का टाइम क्या होगा दोस्तों, जब वो भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया, भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया मतलब अगले ने जब चेक लगाया तब पासबुक में एंट्री होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा मैंने बताया था कि चेक डिपोजिटेड, मतलब चेक जमा कराया, तो कैशबुक में कब एंट्री करते हैं हम दोस्तों, जब हम डिपॉजिट कराते हैं ना उसी डेट में एंट्री कर लेते हैं। और पासबुक में एंट्री कब होगी, जब बैंक को पेमेंट मिल जाएगा उस अकाउंट से, मतलब जब बैंक कलेक्ट कर लेगा उस अकाउंट से, ठीक है। तीसरा दोस्तों डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो जब कोई कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करा देता है तो कैशबुक में कब एंट्री करेंगे दोस्तों हम, आफ्टर द एंट्री इन द पासबुक, मतलब पासबुक में प्रविष्टि के बाद ही तो हम एंट्री करेंगे ना, पासबुक में एंट्री होने के बाद हम एंट्री करते हैं, ठीक है। जबकि बैंक पासबुक में कब हो जाती है एंट्री दोस्तों, जैसे ही वो पेमेंट रिसीव हुआ, जैसे ही वो पेमेंट रिसीव हुआ तब पासबुक में एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इसमें दोस्तों क्या होगा, एक बात बताओ बैंक में कब एंट्री करती है, बैंक कब एंट्री करेगा, तो बैंक दोस्तों करेगा जब उसने पेमेंट कर दिया तभी एंट्री कर देगा, लेकिन हम कब एंट्री करेंगे, जब पासबुक में एंट्रीज होगी, ठीक है। व्हेन द एंट्रीज आर पोस्ट इन द पासबुक, जब पासबुक में एंट्री होगी तब हम कैशबुक में एंट्री करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बैंक चार्जेस जो हैं उसकी एंट्री दोस्तों बैंक कब करता है, जब वो बैंक चार्जेस लगाता है, मतलब व्हेन बैंक अप्लाइड चार्जेस, जब बैंक चार्जेस लगाता है। जबकि कैशबुक में कब एंट्री होगी, वही दोस्तों सिंपल सी बात है, जब पासबुक में एंट्री होगी तभी एंट्री होगी कैशबुक में। इसके अलावा दोस्तों कोई इंटरेस्ट डिपॉजिट हुआ, ठीक है, मतलब बैंक ने कोई ब्याज दिया, तो जब बैंक ब्याज देता है तभी पासबुक में एंट्री हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। जबकि पासबुक कैशबुक में कब होती है दोस्तों, जब पासबुक में एंट्री होती है तब उसके बाद एंट्री होती है किसमें, हमारे कैशबुक में। इसके अलावा दोस्तों चेक डिसओनर, चेक डिसओनर तो बैंक में कब एंट्री करते हैं दोस्तों हम उसकी, जब चेक डिसओनर हो जाता है तो बैंक की पासबुक में तब एंट्री हो जाती है। जबकि कैशबुक में कब एंट्री होगी, जब पासबुक में उसकी एंट्री होगी ना तब कैशबुक में उसकी एंट्री होगी। तो ये टेबल है दोस्तों, इस टेबल से आपको इजीली याद रह पाएगा। वैसे दोस्तों सिंपल है, मैंने जैसे थ्योरी में बताया वैसे भी आप याद रख सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये तो था पहला कारण टाइम डिफरेंस का। यदि दूसरे कारण की बात करें, दूसरे कारण की बात करें कि डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर, मतलब अशुद्धियों के कारण जो डिफरेंस आता है ना वो कैसे आता है, तो उसमें भी दोस्तों दो बातें हो सकती है कि फर्म द्वारा की गई अशुद्धियाँ या फिर बैंक द्वारा की गई अशुद्धियाँ। दोस्तों नॉर्मली आप भी जानते हैं कि बैंक तो अशुद्धियाँ करने से रहा, मतलब बैंक की तरफ से कोई रेयर केस में, कोई 1 लाख केस में एक गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन बैंक नॉर्मली गलती नहीं करता, अपन सब ये जानते हैं। गलतियाँ कहाँ होती है, गलतियाँ हमारे से ही हो सकती हैं, मतलब फर्म के द्वारा ही गलतियाँ हो सकती है। अब वो दोस्तों फर्म के द्वारा क्या क्या गलती हो सकती है, जैसे जैसे मान लो कोई गलत एंट्री कर दी, या फिर टोटलिंग गलत कर दी, मतलब टोटल लगाया गलत लगा लिया, या फिर गलत साइड में रिकॉर्डिंग कर दी, अमाउंट गलत लिख दिया दोनों साइड में, तो ये कुछ चीज़ें गलतियां हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गलतियां हो सकती है फर्म के द्वारा। और यदि बैंक के द्वारा की गई गलतियां, तो बैंक में भी वैसे गलतियां यही आती है, लेकिन बैंक नॉर्मली गलती करता नहीं है, ये सब जानते हैं अपन। तो यही है दोस्तों, यही है मतलब डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर, मतलब अशुद्धि के कारण जो डिफरेंस आता है वो इन्हीं के कारण आता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि जो कारण होता है कैशबुक और पासबुक का बैलेंस ना मिलने का, जो कारण होता है वो किस कारण से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों सीखेंगे क्या, कि हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, मतलब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।